दोस्तों आज हमारा देश एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। पहला सीवी यानी कोरोना, दूसरा है लॉकडाउन, तीसरा है नफरत। आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना देश में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन 19 दिनों के बढ़ाया गया, 3 मई तक चलेगा। आगे भी क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं। और इसी सीवी और लॉकडाउन के चलते देश में जो है लगातार नफरत फैलाई जा रही है, जिसमें अहम योगदान हमारे देश की मीडिया का है और मीडिया में बैठे कुछ चाटुकार पत्रकारों का है। और इन्हीं पत्रकारों की वजह से फैलाई गई नफरत के नतीजे भी आप लोग देख रहे होंगे, अलग अलग राज्यों से दिन ब दिन देखने को मिल रहे हैं। कभी कोई सब्जी वाले को परेशान किया जाता है, कभी कोई दूध वाले को, कभी किसी को। और इसी तरह की खबर अब महाराष्ट्र के थाने से सामने आ रही है। एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय के साथ भी इसी तरह की घटना हुई है। थोड़ा हम खबर को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश को भाईचारा और एकता की जरूरत है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग देख रहे होंगे डेली कोई ना कोई वीडियो सामने आता है, जिसमें अगर कोई मुस्लिम शख्स रहता है, कोई सब्जी बेचने जाता है दूसरी सोसाइटी में तो उसको परेशान किया जाता है, या कहीं दूसरी सोसाइटी से अपने काम के जरिए से निकलता है तब तो उसको परेशान किया जाता है। और इसी की तरह की तस्वीर थाने से आ रही है। बताया जा रहा है कि कोरोना संकट के बीच किराना का सामान मुस्लिम डिलीवरी बॉय से न लेने का मामला जो है सामने आया है। महाराष्ट्र में थाने जिले के कशीमीरा इलाके में सामान पहुंचाने गए एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय के हाथों से कथित रूप से सामान नहीं लेने पर 51 साल के गजानंद चतुर्वेदी नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आप सोच सकते हैं लगातार इस तरह की तस्वीर हमारे देश से देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की तस्वीरों से हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, इस तरह से नफरत से हमारे देश को तरक्की मिल पाएगी? मुझे नहीं लगता है। बताया जा रहा है कि गजानन चतुर्वेदी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन सामान का ऑर्डर किया था और जब पता चला कि मुस्लिम डिलीवरी बॉय उनका सामान देने के लिए आया तो उन्होंने उस सामान को लेने से इनकार कर दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को गजानंद चतुर्वेदी यानी कि 51 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और धार्मिक भावना को आहत करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण हरकत करने के तहत मामला दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी भी उनकी कर ली गई थी और बेल भी दे दी गई है। आप सोचिए यह है आज हमारे देश का हाल। कभी डिलीवरी बॉय से, आप सोचिए अगर इसी तरह से होगा तो किसका कारोबार चलेगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम कारोबारियों के पास काम करते हैं, या फिर मुस्लिम लोग रहते हैं दूसरे धर्म के ताल्लुक रखने वाले शख्स के पास काम करते हैं, कारोबारियों के पास काम करते हैं। तो ये तो हमारे देश की एकता की बात है और इसको लगातार कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है।